हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक क्लैंपिंग स्विच सर्किट बोर्ड बनाने वाले हैं। तो इस सर्किट बोर्ड का उपयोग हम बहुत से कामों में कर सकते हैं। जैसे हम इसमें बल्ब लगा के हमारे किसी गोदाम या फिर सीढ़ियों में, छत पर, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे हम एक ताली बजाएंगे तो इसमें लगा हुआ बल्ब जलने लग जाएगा। तो ये किस प्रकार से वर्किंग करता है, ये सारा सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, आपको सारी चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे BC547 के दो ट्रांजिस्टर। ये मैंने 1.5 रुपये के हिसाब से मार्केट से परचेज किए हैं। और एक लेंगे हम 50 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर, ये मैंने 3 रुपये के हिसाब से परचेज किया है। एक लेंगे हम 1 मेगा ओम की रजिस्टेंस, एक लेंगे हम 220 ओम की रजिस्टेंस, एक लेंगे हम 22 किलो ओम की रजिस्टेंस और एक लेंगे हम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। ये चारों रेजिस्टेंस मैंने 50 पैसे के हिसाब से परचेज किए है। एक लेंगे हम 5 वोल्ट का रिले, ये 5 लेग का है। तो इसकी लेग इस प्रकार से है, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी हिसाब से कनेक्शन होंगे आगे सर्किट में। इसको मैंने 10 रुपये में परचेज किया है। एक लेंगे इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन, ये मैंने 8 रुपये में परचेज किया है। एक लेंगे हम 3 mm की LED, आप चाहे तो 5 mm की भी ले सकते हैं, ये मैंने ग्रीन लिए, आप चाहे जो कलर ले सकते हैं। ये मैंने 1 रुपये के हिसाब से परचेज की है। एक लेंगे हम 9 वोल्ट की बैटरी, ये मैंने 15 रुपये के हिसाब से परचेज की है। एक लेंगे हम इस बैटरी का कनेक्टर, ये मैंने 3 रुपये में परचेज किया है। इस कनेक्टर को हम बैटरी में इस प्रकार से लगा लेते हैं। एक लेंगे हम 2x2.5 इंच की ये ब्लैंक 0 PCB, ये मैंने 10 रुपये में परचेज की है। तो आपको मैं ये पूरा सर्किट इसी PCB पर बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम BC547 ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से लगाएंगे और फिर यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे इस प्रकार से। मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरा ट्रांजिस्टर लेंगे और जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसके बेस को इस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सोल्ड करेंगे। तो हम इसको इसी प्रकार से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीच बीच में इसी प्रकार से ब्लैंक 0 PCB में सर्किट बनाकर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हमने सोल्ड कर दिया है और अब इस PCB को PCB क्लीनर से साफ़ कर दिया है। एसीटोन वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब जो अभी हमने ट्रांजिस्टर लगाया था उसके बेस से हम 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट के कैपेसिटर के नेगेटिव को इस प्रकार से लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने ये इतनी दूर लगाया है और यहाँ पर एक ट्रैक बनाकर इसको सोल्ड करेंगे। दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि और भी कंपोनेंट्स इस PCB में लगेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पेस्ट लगा लिया है, ये लिक्विड पेस्ट है। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है सोल्डरिंग आयरन के द्वारा और क्लीनर से साफ भी कर दिया है। अब जो हमने इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन लिया था उसको इस PCB में कनेक्ट करेंगे। इसमें जो ये वाली पिन है तो चारों तरफ लेयर के साथ कनेक्ट है, ये ग्राउंड है और ये दूसरी वाली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पिन को हम कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम इस माइक्रोफोन के पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ सोल्ड करेंगे। दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से ही परचेज किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन परचेज करें तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अब जो हमने 3 mm की LED ली थी ग्रीन, इसके नेगेटिव को जो पहले वाला ट्रांजिस्टर लगाया था हमने 547, उसके कलेक्टर के साथ सोल्ड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इस LED के पॉजिटिव से 220 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां पर आपको जवाब देने की।
और वैसे मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बताऊंगा तो आपको पूरा अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए हम किस प्रकार से सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने ये 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस ली है और जो ये दूसरे नंबर वाला ट्रांजिस्टर हमने लगाया था 547 उसके कलेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो ट्रैक है इसके साथ हम 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं इस 0 PCB सर्किट के अंदर। वैसे दोस्तों मैं बिना इस 0 PCB के ही सर्किट बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मेरी आज इच्छा हुई कि मैं आपको इस 0 PCB में सर्किट बना करके समझाऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कभी कभी इस ब्लैंक 0 PCB में भी सर्किट बनाऊँ और आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो इस प्रकार से हम 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और अब जो हमारा कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव से हम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। जो हमने 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर लिया था वहाँ से हमने कनेक्ट किया है ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस को इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्किट के अंदर समझ में आ जाएगी और भी बढ़िया तरीके से। पहले मैं आपको इस ब्लैंक 0 PCB में इस प्रकार से सारी चीज़ें सोल्ड करके बताऊंगा। तो अब लेंगे हम दोस्तों एक रिले और रिले को हम इस प्रकार से लगा रहे हैं इस जगह। तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सूटेबल होगी। तो ये चीज़ मैंने अपने हिसाब से लगाई है कि मेरे को ये रिले यहाँ लगानी है और ये चीज़ें इस प्रकार से लगानी है ताकि इस PCB पे ये पूरा सर्किट डायग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने रिले को सोल्ड कर दिया है और क्लीनर से साफ़ कर दिया है। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे और यहाँ पर बैटरी लगेगी जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। अब पहले नंबर वाले ट्रांजिस्टर से रिले की कोयल 1 को कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब 220 ओम की रेजिस्टेंस और 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर देंगे और उनके बीच से रिले की कोयल 2 को सोल्ड कर देंगे कनेक्ट करके। अब उसी पॉइंट से 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस को भी सोल्ड करते हुए प्रिंटेड कर देंगे आगे तक। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस प्रिंट पे जिन जिन कंपोनेंट्स में पॉजिटिव होते हैं वो इसी प्रिंट पे जुड़े हैं। तो आगे हम 9 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव इसी लाइन पे कनेक्ट करेंगे और ये वाली लाइन वो लाइन है जिसमें जिन कंपोनेंट्स के नेगेटिव जुड़े हैं। तो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट होगा। अब दोनों ट्रांजिस्टरों के एमिटरों को आपस में कनेक्ट करते हुए आगे जाके बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर माइक का नेगेटिव भी कनेक्ट है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ब्रिक्स स्पीकर का गिववे किया था तो आप उसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें विनर बनने के लिए। जैसा कि आप ऊपर की तरफ उस वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं तो उस वीडियो में जाने के लिए लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कीजिए ताकि ये गिववे हो सकता है आपको मिले। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LED का पॉजिटिव और 220 ओम की रेजिस्टेंस है उनको भी आपस में कनेक्ट करना है इस प्रकार से। अब जो बैटरी का कनेक्टर हमने लिया था उसको इस सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रिंट आ रहा है आगे से यहाँ पर कंपोनेंट्सों के नेगेटिव जुड़े हुए हैं। तो हम एक वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को हम वहाँ पर कनेक्ट करेंगे जहाँ पर कंपोनेंट्सों के पॉजिटिव कनेक्ट है। तो हम इस प्रिंट पे इसको सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रिंट और सोल्ड करेंगे जो कि बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, ये कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है आपस में। तो ये हम क्यों कर रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों और पूरा देखिएगा आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 220 वोल्ट AC के लिए हम दूसरा वाला प्रिंट भी यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे। तो ये देखिए जो रिले की कॉमन वाली पिन है वहाँ से हम सोल्डरिंग करते हुए जो पहले वाली प्रिंट था जो हमने सोल्डरिंग किया था उसको ब्लैंक छोड़ा था तो उसकी बराबर में यहाँ पर सोल्ड कर देंगे
रिले की कॉमन वाली पिन से सोल्डरिंग करते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर देते हैं एक बार, और अब आप देख सकते हैं जो हमारा लगभग 90% काम कंप्लीट हो गया है। और ये 220 वोल्ट एसी के लिए यहाँ पर हम वायरिंग कर रहे हैं, तो एक वायर यहाँ पर सोल्ड कर देंगे और दूसरा वाला वायर यहाँ पर सोल्ड करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से हमने आउटपुट कनेक्शन कर दिया है, और इनपुट कनेक्शन के लिए यहाँ पर मैं ग्रीन वाले वायर ले रहा हूँ। तो एक वायर को मैं एसी के से जोड़ दूंगा 220 वोल्ट एसी वाली लाइन पे, और एक वायर और लूँगा मैं आउटपुट के लिए, तो उसको मैं रिले के एनओ पे जोड़ूंगा नॉर्मली ओपन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बैटरी को चिपकाने के लिए डबल टेप का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी को चिपका लेंगे, तो इस प्रकार से हम बैटरी लगा देंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं इसके सर्किट डायग्राम को बता देता हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले ही बना लिया था ये, अगर मैं अभी बनाता तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई आपको कि रिले में कॉमन कोयल और एनओ एनसी क्या है, कहाँ है, और ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर एमिटर, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। तो आप वीडियो को स्किप करके पूरा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल ट्रैक बाई ट्रैक देखिएगा। अब हम इस सर्किट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर प्लग लगा दिया है इसके इनपुट में, और आउटपुट में मैंने एक होल्डर लगा दिया है, बल्ब होल्डर, जहाँ पर मैं बल्ब लगाऊंगा। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगा सकते हैं, जैसे फ़ैन वगैरह। तो अब हम इस प्लग को पावर में लगा देंगे और बल्ब होल्डर में बल्ब डाल के स्विच ऑन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा तो ये हमारा ये बल्ब एक मिनट तक के लिए जल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप कर दिया हूँ, और अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर ताली बजाई और हमारा ये बल्ब एक मिनट तक के लिए जलेगा, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है तो बल्ब एक मिनट से थोड़ा जल्दी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस सर्किट को बनाने का मकसद ये है कि हम इस सर्किट को किसी भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर हम क्लैंप करके और हमारा काम ख़त्म होने के बाद में लौट आए और पीछे से बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाए, जैसे किसी गोदाम में या फिर छत पे। तो हम एक बार क्लैंप करें यानी ताली बजाए तो बल्ब चालू हो जाए और हम हमारा काम एक मिनट में ख़त्म करके लौट आए। अगर हमारा काम एक मिनट में नहीं होता है ख़त्म, तो हम दोबारा भी क्लैंप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सर्किट सक्सेसफुल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लैंपिंग स्विच सर्किट बोर्ड कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।